वेलकम टू मोटेट डेली वोकैब सेशन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है फ्रेजल वर्ब का, इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ यानी कि टू एग्जीक्यूट, हिंदी में किसी काम में सफल होना। नेक्स्ट है कम बाई। कम बाई यानी कि टू गेट, यानी मिलना या प्राप्त करना। नेक्स्ट है कैरी ऑन यानी टू कंटिन्यू, यानी किसी काम को जारी रखना। नेक्स्ट है कैरी आउट, टू कंप्लीट और फुलफिल, या फिर टू एग्जीक्यूट यानी किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। नेक्स्ट है कैरी थ्रू यानी टू सस्टेन या फिर टू परसिस्ट, हिंदी में किसी काम को बनाए रखना, या फिर इसका और मतलब होता है किसी की ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट देखते हैं वोकेबलरीज। नेक्स्ट सेक्शन है वोकेबलरीज का, जिसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन यानी कि अलाउड आर्ग्यूमेंट, यानी वाक युद्ध या फिर कहा सुनी। नेक्स्ट है एम्बिगस। एम्बिगस यानी कि हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, हिंदी में किसी चीज़ का अस्पष्ट होना, एम्बिगस। नेक्स्ट है एमिनेबल। एमिनेबल यानी विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, यानी सुझाव स्वीकार करने को तैयार। नेक्स्ट एमिएबल। एमिएबल इंग्लिश में प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, हिंदी में यानी दोस्ताना संबंध होना। नेक्स्ट है एंग्स्ट। एंग्स्ट यानी कि ग्रेट एंजाइटी, हिंदी में यानी चिंता या फिर गुस्से में होना। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें फर्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस यानी एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी श्रोतागण। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, हिंदी में आत्मजीवनी या फिर आत्मकथा। नेक्स्ट ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी के या एक पर्सन के द्वारा चलाई जा रही सरकार, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है अवेरिशियस, वन हु इज़ ग्रीडी, जो भी लालची या धन का लालची अवेरिशियस कहलाएगा। नेक्स्ट है बैचलरहुड। बैचलरहुड यानी द स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड ऑफ अ मैन, ये मैन के संदर्भ में है, जो भी मैन कुंवारापन उसको बैचलरहुड कहेंगे। नेक्स्ट है एडियम्स, इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े या विवाद का कारण होना। नेक्स्ट बोन या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट है बॉसम फ्रेंड यानी फास्ट फ्रेंड, जो भी जिगरी दोस्त उसको बॉसम फ्रेंड कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यानी टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, हिंदी में चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट है ब्रीथ वंस लास्ट यानी टू पास अवे, और टू डाई यानी मर जाना। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मोटेट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।